ईशा देवल और उनके पति भरत तख्तानी अब एक दूसरे से अलग हुए हैं। उनकी तलाक की खबरों के बीच ये भी पता चल रहा है कि भरत ईशा से घर में काम भी करवाते थे। इसके अलावा उनकी बेटी भी इस तलाक की वजह बनी है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देवल की जिंदगी में भूचाल आ गया है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा की 12 साल पुरानी शादी टूट गई है। जी हाँ, भरत तख्तानी और ईशा का तलाक कंफर्म हो गया है। हालांकि इनके अलग होने की खबर जनवरी से सुनने को मिल रही थी, लेकिन किसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। ईशा ने अपनी शादी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रही और फाइनली दोनों की राहें अलग हो गईं। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि ईशा अपनी शादी से कहीं ना कहीं परेशान थी? इस बात का जिक्र एक्ट्रेस ने अपनी बुक में किया। आइए जानते हैं कि कैसे उनके पति ने उन्हें धोखा दिया और कब ईशा को इस बात का एहसास हुआ कि अब उनके बीच सब खत्म हो गया है। ईशा तख्तानी और भरत के बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है। दोनों ने खुद सामने से आकर कहा है कि हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमारी लाइफ में ये बदलाव हमारे और हमारे बच्चों के हित में है। ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। हम इस वक्त की सराहना करेंगे कि हमारी प्राइवेसी का सम्मान किया गया है। बता दें कि ये कपल अब अलग हो गया है। अब बहुत जल्द दोनों का तलाक भी हो जाएगा ऑफिशियली। ईशा देवल ने अपनी बुक अम्मा मियां में खुद इस बात का जिक्र किया है कि उनके रिश्ते में दूसरी बेटी मिराया के आने के बाद से खटास आने लगी थी। उन्होंने कहा कि भरत छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते थे और चिल्लाने लगते थे। भरत को लगता था कि ईशा उन पर ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि ऐसा नहीं था और एक्ट्रेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि कोई कमी ना रह जाए। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि आप एक गृहिणी की तरह ईशा भी घर का काम करती होंगी? जी हाँ, ये सच है। खुद एक्ट्रेस ने इस बात का खुलासा अपने बुक में किया है। उन्होंने कहा कि वो पति की शर्ट में प्रेस करती थी। यही नहीं, दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ईशा की ही थी। यही नहीं, भरत के टूथब्रश का ध्यान रखने तक का काम ईशा का ही था। ईशा ने अपनी शादी को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। इसके लिए उन्होंने अपने आप को बदला और बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर पति संग फिल्म देखने, नाइट आउटिंग पर जाने और साथ समय बिताने की भी कोशिश की। बावजूद इसके उन दोनों के बीच कुछ सही नहीं रहा और किसी और लड़की के लिए भरत ने ईशा को छोड़ दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।